जैसे कि ये मोबाइल पूरे फरे से ओनली डिस्प्ले टूटे हुए, ऐसे हमारे पास बाहर से मोबाइल हम खरीद के लाते हैं, तो जैसे जैसे सीखेंगे उनको हम हाथ में सीपीयू का वगैरह जैसे कौन से पार्ट आते हैं उनको प्रैक्टिकल काम करवाएंगे, जैसे अभी चालू हुआ है, उसके बाद कोई घंटा भर लेट तक सीखना चाह रहे हैं 2 घंटे तो भी हमको उनको कवर करवाते, जैसे 1 महीना हम किसी का कम्प्लेंट नहीं हुआ। तो सबसे पहले सभी लोगों को हाय हेलो। एक्चुअली कल फोन आया था राजेश भाई का, और इनका जो सेकंड बैच है वह कंप्लीट हो चुका है, थर्ड बैच चालू है। कितने तारीख से चालू है? ये 25 तारीख से नाइट का है, 25 से चालू है। तो थर्ड बैच चालू है और सेकंड बैच का आज हम सर्टिफिकेट देने वाले हैं। तो कुछ कितने लोग हैं अभी? फिलहाल 6 लोग हैं अपने पास। थर्ड बैच में 6 लोग हैं, और जो फोर्थ नंबर का बैच चालू होगा उसमें 10 लोग हो जाएंगे, जो स्पेस होगा बढ़ जाएगा थोड़ा सा, और शायद तो उसके लिए अपन दूसरी जगह की व्यवस्था हो रही है, तो काम चल रहा है फिलहाल फर्नीचर का। तो अभी हम अंदर चलते हैं, सर्टिफिकेट देंगे, और जो उनका नॉलेज है देखेंगे कहाँ तक नॉलेज है उनसे पूछेंगे, और जो थर्ड बैच है उसके बारे में जानेंगे क्या है कैसे है। तो अंदर चले जी। अरविंद भाई वेलकम आपका। थैंक यू। मैं 2 दिन से आपको कॉल कर रहा था, तो आप टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। हमारे जो थर्ड बेस है हमने 25 तारीख को स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो बेस रहेगा 1 अगस्त को रहेगा, उसमें हम स्टूडेंट को 10 लेंगे, लेकिन यहाँ पे जगह हमारा थोड़ा स्पेस कम है, तो दूसरी जगह सेट कर रहे हैं, काम चालू है फिलहाल। ओके, और ये अजय भाई हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट थे इधर मेरे साथ वाले, आपके साथ वाले तो उनका अच्छा भी काम भी कर रहे हैं। ये मेरे दुकान जो रिटेल है उन पे उनको शिफ्ट कर दिया है, वो काम भी व्यवस्थित मस्त बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अभी उधर मैं 50% पार्टनरशिप पे हूँ। 50%। अभी अरविंद भाई आगे क्रम, हम आज जैसे अगली बेस थी हमारी उसमें जो सर्टिफिकेट है हम उनको सबको देने वाले हैं आज। कितने लोग हैं अभी? फिलहाल 3 लोग हैं, और 2 का तो हमने पहले दे दिया था, वो उनको थोड़ा जल्दी था, बाहर से दूर से थे। अच्छा, और अच्छा। सपोर्ट तो हम रखेंगे उनका, ठीक है ना। तो अजय भाई कुछ अजय भाई अपने एक्सपीरियंस कैसा रहा है बताओ। एक्सपीरियंस पहले हमने इधर कोर्स किया और करने के बाद ज्यादा आने लगा, मतलब जितना चाहिए उतना सब अपने को समझने लगा। फिर हमने सर के दुकान में शिफ्ट हो गया, मतलब सर ने शिफ्ट किया है मुझे पार्टनरशिप पे उधर। 50% हाँ 50% पार्टनरशिप। और उनका मतलब काम भी चल रहा है उधर, खुद भी काम करता हूँ और दुकान भी संभालता हूँ। ओके, अभी ऐसे अपने एक मिंटू भाई असम से, वो भी वो दुकान पे काम कर रहे हैं, उनको भी शिफ्ट कर दिया है। चलो मिंटू भाई आए ना, मिंटू भाई है ना, तो मिंटू भाई से मिलवाते हैं। मिंटू भाई आ जाइए एक बार मिलिए। मेरा नाम मिंटू कुसुमधर है, मैं असम का रहने वाला हूँ। अभी मैंने इधर मुंबई में इधर पनवेल में आया है, तो कोर्स किया, तो कोर्स खत्म हो गया। अभी कोर्स कंप्लीट हो गया, आज आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। आपका कोर्स 1 महीने का था, हम 1.5-2 महीना हुआ, तो भी आपको यहाँ पे और कमी है तो वो भी पूरी करवा रहे हैं। प्लस आपको मेरे दुकान पे है शिफ्ट किया है, उधर आप काम कर रहे हैं 50% में, अजय भाई के साथ में कर रहे ना। हाँ, मैंने सर को कंप्लीट करने के बाद, कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर को रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा ये काम थोड़ा बोला था, तो सर ने मुझे ये मौका दिया प्रैक्टिकल। अभी साथ में आप दोनों लोग काम करते हैं, तो वो दुकान में ही कर रहा है अभी। ओके ओके। उनका आपका मतलब रेंट वगैरह जो है मैंने नहीं लिया, रहने का रहने की व्यवस्था जो, हाँ क्योंकि दूर से इतने आए हैं तो उनको कुछ अपने से सीख के भी जाना, प्लस ये रहेंगे तो कमाएंगे। नहीं नहीं, बरोबर बरोबर। रेंट वगैरह इनका नहीं है, और लॉजिंग का है, तो अभी पार्टनरशिप हो गए तो इनकम चालू हो गया इनका, तो इनकम चालू है, इनकम चालू है ना, अभी चालू है। गोपाल सर है, आपको तो पता ही, अभी क्या बोलेंगे आगे। गोपाल सर हेलो। जी सर, थोड़ा 1 मिनट। हाँ तो और बताओ काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। जो स्टूडेंट लोग हैं उनका? उनको भी अच्छा चल रहा है। चलिए बढ़िया। ये रोहित भाई को सर्टिफिकेट अभी दे रहे हम। रोहित भाई अपन क्या कुछ नेक्स्ट स्टूडेंट आएंगे अगस्त में जो हमारा बैच चालू होगा, उनको कुछ कहना चाह रहे हैं तो उनको भी बता सकते हैं आप, आपका इधर एक्सपीरियंस कैसा रहा, और सर बताते हैं कैसा कैसे सिखाते हैं। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, और सिखाते भी बहुत अच्छा है, मतलब जिसको कुछ नहीं पता होगा तो भी इधर आके सब बताते हैं, मतलब जो मोबाइल का नॉलेज होता है वो पूरा नॉलेज दे देते, मतलब सिखाने का टेक्निक सबको समझ में आएगा ऐसा सिखाते।
लेकिन हम गारंटी देते हैं पूरा सीखाने और गारंटी भी देते हैं। और नहीं समझ में आता तो हमारे पास रहो। कोर्स रहता है एक महीने का पर वो 20-30 दिन और ज्यादा कर देते। और रहने की सुविधा हमारे पास है, कोई आके रहना है तो रह सकते हैं, उनका हम रेंट नहीं लेंगे। ठीक है, ये भी नेक्स्ट बैच जो रहेगा अगस्त का, उनसे किसी का हम रेंट नहीं लेंगे रहने के। ओनली जो फूड रहेगा उसका चार्जेस लगेगा। ओके ओके। और रोहित भाई आप इधर एक 1.5-2 महीने हुए हैं ना? हाँ, लेकिन कुछ बाकी है तो वो भी हम करवा रहे कवर। हाँ, और रिटर्न कस्टमर से भी आपको प्रैक्टिस चालू ही है। ये कैलाश भाई है, इनको हम सर्टिफिकेट देते हैं। इनका एक महीने का कोर्स था लेकिन इन्होंने 25 दिन में कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि इनका नियर बाई शॉप है तो उधर वो काम कर रहे हैं। और नहीं कुछ भी थोड़ा बहुत हो रहा है तो आप इधर आके इनको सपोर्ट देके करवा देते हैं और लाइफ टाइम सपोर्ट तो हमारा रहेगा ही। गोपाल जी और कुछ कैसे कैलाश भाई का नॉलेज रहा इधर? बहुत अच्छा रहा है, जीएनएस स्टूडेंट है पहले से, उनको थोड़ी जानकारी भी थी। कैलाश भाई अपने नए कोई स्टूडेंट आए उनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं अपने इधर का वो बताइए। नए स्टूडेंट आए उनको भी हमारे जैसे बना के जाएंगे, वो सिखाएंगे। अगर नहीं आया समझ में तो दो बार बोल के और प्रैक्टिकल जैसे कस्टमर भी इधर काम आते हैं हमारे पास और दुकान वाले भी आते हैं। तो आप तो कभी से मेरे पास पहले से काम करवा रहे, पहले से बाकी सब अच्छा लगे, कोई अपने ट्रेनिंग लेने आ सकता है। मिंटू भाई तो आसाम से आए यार, मतलब ये असम से आए हैं। मिंटू भाई आपका एक बार बता दीजिए क्या क्या है, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? मैं असम से आया हूँ, मेरा नाम मिंटू बसुमतारी है। मैंने यहाँ मोबाइल ट्रेनिंग का कोर्स किया और खत्म हो गया, आज ये सर्टिफिकेट मिल गया। और ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग अच्छा है, मैंने जैसे सामने सिखाया वो सब कवर कर लिया। मिंटू भाई आप बहुत जगह स्टूडेंट देखा लेकिन आपको इधर ही पसंद आया ना, इधर अच्छा लगा ना? ट्रेनिंग के बारे में ऐसा तो बहुत बंदे हैं जो मोबाइल के बारे में सीखना चाहता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो सिखाता है मोबाइल, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं यहाँ जो सीखा मुझे अच्छा लगा। टीचर ने जैसे क्या करके हमको सिखाया वो क्लास प्रैक्टिकल भी आपको कुछ देखने को मिलता है। प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, थ्योरी भी होता है लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादातर होता है। और इधर अपने बाहर से कोई आने वाला है तो व्यवस्था सब है? हाँ, जो ज्यादा दूर से है, अदर स्टेट से है, वो आ सकता है और रहने का सुविधा, खाने का सुविधा भी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है रहने के लिए। और यहाँ पे आप अभी मेरे पास अजय भाई के साथ में पार्टनर में काम कर रहे हैं। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ सर को, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कोर्स खत्म हो गया सर, मुझे कुछ काम करना है। काम करना है प्रैक्टिकल के लिए, बस सीखने के बाद कुछ सेटअप खोलने के लिए, ये सब करने के लिए थोड़ा वो प्रॉब्लम हो जाता है। अगर अच्छा से बेसिक से जो दुकान जो सेटअप का बेसिक नहीं जानने से अच्छा से खोल नहीं पाता, इसलिए वो ट्रेनिंग लेने के लिए मैं सर को बोला। सर ने मुझे खुद का वो जॉब है, रिपेयरिंग शॉप है, उसमें मुझे आप मतलब संभाल रही हूँ। अजय भाई पर कस्टमर भी डिटेल बहुत है अपना, तो वो आप बिठा दिया हमको, फिर पैसा भी आ रहा है, मतलब अच्छा लगा। अच्छा लगा, मतलब कमा रहे हो, कमा रहे हैं। तो पैसे लगाए तो वो वापस लेके जाएंगे यहाँ से। चलिए चलिए चलिए। मिंटू भाई एक चीजें बताओ, गोपाल सर सिखाते कैसे? गोपाल सर मतलब सिखा तो अच्छा है, लेकिन लैंग्वेज इजीली सिखाता है, ऐसे नहीं कि तेरा मेरा करके सिखाने, लेकिन जो बोलता है वो आराम से समझ में आ जाता है। रूम में आपके साथ में भी रहते हैं काफी दिन तो। हाँ, बराबर ना। थैंक यू। ओके, तो कैसे क्या आप बात कर लो। सुनील भाई बताओ एक्सपीरियंस कैसा है और सिखाते कैसा है? यहाँ नरेश भाई तो सिखाते हैं, बहुत अच्छे हैं और उनका भी लैंग्वेज भी अच्छा है और जो भी है समझ में बहुत अच्छे से आता है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो उनको थोड़ा बता दीजिए। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम सुनील गुप्ता है। जैसे कोई और भाई आना चाहे तो अपने पास आ सकता है? जो भी भाई आना चाहता है वो आ सकता है यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। जबरदस्ती और... वीडियो तो नहीं बना रहे ना हम? नहीं नहीं, जबरदस्ती तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग होती है, बेस्ट है। जैसे ये आपको नॉलेज छोटा मोटा दे रहे, मतलब कैसा नॉलेज लगा आपको? नॉलेज तो बहुत अच्छा लगा, जो भी बताते हैं अच्छे से समझ में। ये मतलब आपको पता नहीं रहेगा जो बता रहे हो नरेश भाई? पता नहीं, मतलब मालूम मुझको कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन जब से नरेश भाई बता रहे हैं तब से मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, ये हरेश भाई है, देखो ये भी इन्होंने यहाँ पे अपने ज्वाइन किया है।
इनको भी 25 तारीख से यानी 10 दिन और एक्स्ट्रा पहले आए थे तो हमने इधर इनको रखा था, पर क्लास उनका 25 तारीख से चालू हुआ है। तो अरे भाई क्या है इनको बता एक बार कैसे क्या है। नहीं देखो आपका क्या एक्सपीरियंस है, कैसा सिखाते हैं, बाकी जो अदर लोग है वह आएंगे तो कैसा सीखेंगे, आप ये चीज बताओ। 10 दिन हुए क्लास चालू होने के बाद, 5 दिन हुए मेरे को, अच्छा फीलिंग हो रहा है इधर सीखने के बाद। इधर आए मेरे को मालूम ही नहीं ऐसे सिखाएंगे ऐसे सिखाएंगे। अभी आप काम क्या कर रहे हो? मैं ऐसे निकला है, मैं इधर गुजरात से आया हूँ और इधर काम सीखने के लिए। गुजरात से आए? गुजरात से आए। पहले उनको कुछ मोबाइल के बारे में नॉलेज नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं था मेरे को, खाली खुद का यूज करने आता था मोबाइल। तो अभी ये टेक्नीशियन हो गए, कहीं काम करेंगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट आएगी। अभी ये इनका नाम हितेश कुमार है, ठीक है। हितेश कुमार ये भी गुजरात से है, बता दो एक बार आप। मैं गुजरात से हूँ और मैं फ्रेशर था और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे बी ए, और जो हमको बता रहे वो समझ में भी आ रहा है और हमको लाइव प्रैक्टिस भी कराते हैं और कोई भी पढ़ो तो हमारी लैंग्वेज में भी सिखा सकते हैं, मतलब कोई इश्यू नहीं, रहने का खाने का पीने का सब सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है और कोई डाउट भी हो तो हम रात को भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से बेस्ट कारीगर बनकर निकलूंगा मैकेनिकल। अच्छा ठीक है, चलिए थैंक यू। हाँ ये इनका नाम चेतन कुमार है, ये भी गुजरात से है, बताओ। मैं गुजरात से हूँ, मेरे को मोबाइल के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। मैं इधर सीखने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल में देखा तो मैंने इसे नरेश भाई को संपर्क किया। संपर्क करने के बाद वो एड्रेस लिया और मैं उधर आया और बाद में मेरे को मालूम नहीं था मोबाइल कैसे खुलता है, कैसे उसमें काम होता है, क्या क्या चीज़ आता है, क्या कुछ नहीं आता। मैंने अभी तक पहले आया तो मेरे को मोबाइल के बारे में मालूम ही नहीं था। अब मैं मोबाइल को खोल भी सकता हूँ, उसका सब एक्सवार पार्ट है वो भी मैं जान सकता हूँ कि ये है, और इधर खाने के पीने की सब व्यवस्था मिलती है। मैं पहले सूरत में हीरे का काम कर रहा था। हीरे का? हाँ, हीरे का छोड़ के मोबाइल में आ गए भाई, बोरी हीरे का काम कर रहा था। लेकिन उधर क्या होता है, हीरे के उधर जॉब भी करने का होता है, उधर कोई अपने आप खुद का या कुछ कर नहीं सकते, उसका फिक्स ही होता है कि इतना रेट तो इतना ही रेट चलता है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होता, इसीलिए हम मोबाइल। नहीं, बहुत से लोग सोचते हैं ना अगर हीरे के कंपनी में काम करेंगे, सोने की कंपनी में काम करेंगे, सोना लेके आएंगे घर पे, हीरा लेके आएंगे, ऐसा सोचते रहेंगे ना। पहले मैं भी सोचता था, मैं हीरे में नौकरी कर रहा था, लेकिन उधर लाइफ टाइम नौकरी कर सकते, अपना खुद का नहीं कर सकते और इतनी अपनी ऊपर उम्र होती है तब तक उसमें काम नहीं कर सकते, तो उस उधर से रिटायरमेंट होने का, रिटायरमेंट होने के बाद कुछ काम नहीं कर सकते, इसीलिए मोबाइल में मैं सीखने का सोचा। मोबाइल में अपना घर का भी हो सकता है और अपना वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है, वो पीछे कोई भी अपना भी बच्चा है वो संभाल सकता है। चलिए आपके बारे में बताइए क्या क्या। मैं मेरा नाम मालम सिंह है, मैं राजस्थान से हूँ। मैं पहले तो मोबाइल की शॉप में थोड़ा काम कर रहा था, उसके बाद मेरे को रिपेयरिंग के लिए इंटरेस्ट हुआ तो मैंने राजेश से संपर्क किया और उसके बाद मैं इनके पास सीखने के लिए आया। और इन्हें ये पहले बोर्ड पे भी सिखाते हैं और उसके बाद में जो समझ में ना उसको रिपीट भी करवाएंगे और फिजिकल भी सिखवाते हैं, जो बहुत हमको अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है। अभी इनका नाम ईश्वर लाल है, ये जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह माइक्रोवेव वो रिपेयर करते थे पहले मतलब, अभी वो लाइन उनको चेंज करके मोबाइल में आ गए। अच्छा, अभी अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है इधर। ये हमारे खुद के रिलेशन में ही है, जो इनके जो मैनेजर है, मेन हेड है, वो इधर हमारे जो रिलेशन में है, अच्छा फीलिंग हो रहा है, काम भी अच्छा हो रहा है, हमको सीखने को भी मिल रहा है। पहले कुछ नहीं था आइडिया, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आइडिया आएगा और आगे सीखने को अच्छा मिल रहा है। इधर रिस्पॉन्स अच्छा है, इधर का रहने का खाने का बाकी कोई टेंशन है नहीं, घर के जैसे रहते। अरविंद भाई, ये अपने विशाल भाई आईफोन का काम करते थे, जैसे मेरे को इन्होंने फर्स्ट टाइम में 2-4 आईफोन ऐसे बना के दिए, मैं भी सोच नहीं पा रहा था ये आईफोन मेरे को बना के देंगे, लेकिन वास्तव में मैंने टूल्स लाए तो उन्होंने आईफोन मेरे को बना के दिए। तो उनके बाद में ये क्या थोड़ा गैप हो गया, अभी इसमें गांव में चले गए थे, अभी वापस एक महीने से शिफ्ट हुए तो अच्छे काम कर रहे हैं। एक बार थोड़ा बात कर दीजिए कैसे विशाल भाई। तो विशाल भाई अभी आप क्या कर रहे हो? अब मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? उसका MI का है। क्या प्रॉब्लम क्या इसमें? उसमें डेड बोर्ड है। डेड बोर्ड है, चलिए अच्छी बात है। बाकी इधर गोपाल सर है, गोपाल सर जी। अभी आप कौन सा काम कर रहे हो? बैठिए। CPU का काम है अपना, CPU कर रहे हैं।
देखिए सभी लोगों का इंटरव्यू हो गया, अब आप लास्ट में बता दीजिए क्या है कैसे है सब कुछ डिटेल से। अरविंद भाई ऐसा मैं बोलना चाह रहा था, जैसे कि हमारे पास जैसे स्टूडेंट आएंगे सीखने के लिए, तो हमारे पास जैसे भी हम बोर्ड भी बहुत सारे रखते हैं यहाँ पे अवेलेबल, आपको एक बार बता दो देख लीजिए। हाँ, बोर्ड दिखाओ। जैसे कि ये मोबाइल पूरे फरे से ओनली डिस्प्ले टूटे हुए, ऐसे हमारे पास बाहर से मोबाइल हम खरीद के लाते हैं, तो जैसे जैसे सीखेंगे उनको हम हाथ में सीपीयू का वगैरह जैसे कौन से पार्ट आते हैं उनको प्रैक्टिकल काम करवाएंगे, जैसे अभी चालू हुआ है 10-15 दिन के बाद में उनको काम हाथ में देंगे हम। ऐसे हमारे पास बहुत सारे मोबाइल आते रहते हैं, तो एम सीरीज, ए सीरीज, सैमसंग में हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, फुल फ्रेस पीस है, उसमें ओनली डिस्प्ले का ही प्रॉब्लम है, बाकी सब सेट है। ये वाले सब फोन है हमारे पास। और नेक्स्ट अभी हमारा जो क्लास चलता है वो 11 बजे शाम को 6 बजे तक हम चलाते हैं, उसके बाद कोई घंटा भर लेट तक सीखना चाह रहे 2 घंटे तो भी हमको उनको कवर करवाते हैं। जैसे एक महीना किसी का कंप्लीट नहीं हुआ तो उनको महीना 1.5 महीना हमारे पास रह सकते हैं, ठीक है। और अभी रेंट है जो हम फ्री कर दिया है 1 अगस्त से, किसी का रेंट नहीं लेंगे रहने का, ओनली फूड का चार्जेस लगेगा। जैसे अपने पास कोई स्टूडेंट आया, वो बोर्ड तो हर स्टूडेंट लेके नहीं आएगा, या उनके पास चालू सेट रहेगा तो वो अपने पास लेके आता है, तो उनको मारे जैसे उनको नॉलेज तो है बहुत सारा, सीपीयू निकाल भी देता है लेकिन उनका सक्सेस नहीं होता है। उनको एक्चुअल में क्या ट्रिक ही चाहिए, ट्रिक चाहिए, ट्रिक उनके पास तो है नहीं, सबके पास में नहीं होती है, और 100 में से 10 जने ऐसे काम कर रहे हैं सक्सेस, ठीक है। बाकी बोलते हैं हम कर रहे हैं सीपीयू को लेकर सक्सेस नहीं होता है। तो अपने पास जैसे कोई शॉप वाला है टेक्नीशियन तो नाइट में भी 2 घंटे आ सकता है, 2-2.5 घंटे मतलब एक्स्ट्रा क्लास चलती है, उनमें उनका सीपीयू का एक अलग ही करवाएंगे डबल डेकर का, रात को भले 12 बज जाए तो भी उनको कवर करवाएंगे, 3-4 दिन में करवा देते। और उनका कैसे सीपीयू का काम मतलब 2-3 दिन में हो जाता है, कोई स्टूडेंट थोड़ा लूज होता है तो मतलब उसके लिए 4-5 दिन ज्यादा से ज्यादा। और सीपीयू वालों की अपन फीस कितनी लेते हैं, वो तो अब 10,000 हम फीस लेते, कितना ओनली 10,000, लेकिन सीपीयू क्लियर करवा के उनके हाथ से ही करवाएंगे, और उनका कोई सेट रिस्टार्ट लोगो वगैरह लेके आएंगे तो वो भी हम करवा देंगे, ठीक है। और बोर्ड नहीं लेके आ रहे तो हमारे पास जो बोर्ड देंगे तो हम 15,000 रुपए लेंगे, ठीक है, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, तो हमारा बोर्ड जो कोई खराब होगा वगैरह तो वो हम उसमें एडजस्ट कर देंगे, ठीक। और नेक्स्ट जो बेस है हम 1 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा 25 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 1 महीना 10 दिन 5 दिन ऊपर भी जाएगा, तो हमारा और भी जगह है तो हम उधर भी शिफ्ट रिटेल में भी कर सकते हैं, तो उनको प्रैक्टिकल कस्टमर से कैसे बात करने का क्या है वो भी हम करवा देंगे। और नई बेस की हमारा जगह काम चल रहा है तो अगस्त से शायद उधर स्टार्ट कर देंगे। और गोपाल सर कुछ उनको जैसे कोई सीखने वाले अपने पास बाहर से आने वाले तो सुविधा क्या क्या है वो भी थोड़ा बता दीजिए। सुविधा सब कुछ है अपने पास सिखाने के लिए है, मशीन वगैरह सब है, टूल्स वगैरह, मतलब रहने के लिए है, रहने के लिए जगह है अपने पास। बाकी सुविधा मतलब जैसे कोई भी आएगा उनको हम तकलीफ किसी को नहीं पड़ती है, व्यवस्था सब है हमारे पास, ठीक है। हम जैसे रहते हैं उनके साथ में हम भी रहते हैं, व्यवहार घर जैसा है, उनको ये कभी फील नहीं होता कि मतलब वो कहाँ पे मतलब अंदर किस छत पे गए हैं, वो फील नहीं होता, घर जैसा व्यवहार सिखा देते हैं उनको। हमारा जिम्मेदारी है हमारे से कोई सीख के जाए, क्योंकि फीस भर रहा है तो उनको सीखना भी जरूरी है, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं हम।